हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अपफ्रंट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, केमिकल सेक्टर मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के लिए पॉपुलर है और आज इस वीडियो में हम 4 ऐसे केमिकल स्टॉक्स लेके आए हैं जो अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स में आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं क्योंकि ये सभी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें। दोस्तों, अगर हम पहले स्टॉक की बात करें तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स का। दोस्तों, ये बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ इंटरमीडिएट्रीज भी बनाता है जो पेंट सेक्टर, कॉस्मेटिक सेक्टर, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स और बहुत सारे सेक्टर्स में यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका 58% रेवेन्यू फिनोलेक्स से आता है, बेसिक केमिकल से 17% रेवेन्यू आता है, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से 18% और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से 7%। और फ्रेंड्स, अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूएस और मिडल ईस्ट से 29% रेवेन्यू आता है और डोमेस्टिक से 71%। और फ्रेंड्स, इसका क्लाइंट बेस भी बहुत स्ट्रांग है, इसके 700 कस्टमर्स हैं 6 कॉन्टिनेंट्स में। दोस्तों, फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। मार्केट कैपिटल इसकी है 27,000 करोड़ के आसपास और करंट प्राइस अभी ये 2,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। और अगर बात करें इसके ऑल टाइम हाई की तो 3020 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। तो फ्रेंड्स, अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 35% के डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करें ROCE और ROE की तो 44.5% इसका ROCE है और 37.4% इसका ROE है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो लास्ट 5 इयर्स में इसने 38% के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्लॉक किए हैं, वहीं लास्ट 3 इयर्स में 36%। और फ्रेंड्स, अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में 87% की प्रॉफिट ग्रोथ क्लॉक की है, लास्ट 3 इयर्स में 82%। और दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो बहुत शानदार इसका ROE है। इन लास्ट 5 इयर्स ROE है 34%, लास्ट 3 इयर्स में 40%। और दोस्तों, अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में इसने 61% के CAGR से अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिए हैं, जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है फ्रेंड्स। लास्ट 5 ईयर में 63% के रिटर्न, लास्ट 3 ईयर्स में 94% के मल्टी बैगर रिटर्न्स। और फ्रेंड्स, अभी अगर करंटली बात करें तो ये ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड, यहां से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती हैं। और दोस्तों, स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर। दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, इट इज ग्लोबल लीडर इन इथाइल अमाइंस। और फ्रेंड्स, इसके 100+ प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डेवलप्ड इन हाउस। और अदर देन दिस फ्रेंड्स, इसके पास बहुत एनरिच्ड एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक अमाइन डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स फार्मा में 61%, एग्रो में 6%, वाटर ट्रीटमेंट में 5% और फाउंड्री में 4% और डाइज एंड पिगमेंट्स में 3% एप्लीकेशन कमांड करते हैं। तो दोस्तों, ओवर दिस कंपनी कैपेक्स पे भी बहुत अच्छा खासा फोकस कर रही है फ्रेंड्स। इसने हाल ही में दहेज में न्यू प्लांट कमीशन किया है और दोस्तों, एग्जिस्टिंग प्लांट पे भी ये कैपेक्स में काम कर रही है, अपनी कमीशनिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स पे नजर दौड़ा लेते हैं। मार्केट कैपिटल 15,000 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस इसका 3,000 के आसपास है। और फ्रेंड्स, इसका ऑल टाइम हाई 4,210 है। तो दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से काफी अच्छे खासे डिस्काउंट में ये ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, ROCE की बात करें तो 33% और ROE 25.2%, प्रमोटर होल्डिंग 72% देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो लास्ट 10 ईयर्स में 18%, लास्ट 5 ईयर्स में 25%, लास्ट 3 ईयर्स में 22% की सेल्स ग्रोथ इसने क्लॉक की है, जो काफी हेल्दी माना जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में 29%, लास्ट 5 इयर्स में 35%, लास्ट 3 इयर्स में 39%।
वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट 10 ईयर्स में 32%, लास्ट 5 ईयर्स में 33% और लास्ट 3 ईयर्स में 35% की रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो बहुत शानदार 59% CAGR से इसने लास्ट 10 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं लास्ट 5 ईयर्स में 72%, लास्ट 3 ईयर्स में 111% के मल्टी बैगर रिटर्न। तो फ्रेंड्स अभी ये ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो यहाँ से आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हायर प्राइस पे ये परचेज किया है तो आप इसमें यहाँ पर एवरेजिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है अल्काइल अमाइंस लिमिटेड, या कह सकते हैं अल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये मिथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मा केमिकल्स में मार्केट लीडर है। और दोस्तों इसका मेजोरिटी बिजनेस यानी कि 60% रेवेन्यू इसका अमाइंस बिजनेस से ही आता है। और फ्रेंड्स अगर स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस की बात करें तो इसका 30-40% रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल से आता है। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, वहीं इसके क्लाइंट बेस भी बहुत वाइड है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्टॉक के फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 11,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है और अभी ये 3,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसने 5,224 का ऑल टाइम हाई लगाया है। फ्रेंड्स ROCE 50% का है और ROE 34.4% जो काफी शानदार है। फ्रेंड्स अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में 18% की सेल्स ग्रोथ इसने क्लॉक की है, लास्ट 5 ईयर्स में 28%, लास्ट 3 ईयर्स में 35%। वहीं फ्रेंड्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में 27%, लास्ट 5 ईयर्स में 36%, लास्ट 3 ईयर्स में 47% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। दोस्तों अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 26% की ROE क्लॉक की है, लास्ट 5 ईयर्स में 27%, लास्ट 3 ईयर्स में 29% और लास्ट ईयर में 34%। अगर फ्रेंड्स रिटर्न की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को 53% के कैगर से रिटर्न बना के दिए हैं, और फ्रेंड्स लास्ट 5 ईयर में 59% की कैगर से और लास्ट 3 ईयर्स में 136% की कैगर से इसने रिटर्न बना के दिए हैं जो बहुत शानदार है। और फ्रेंड्स अभी ये ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो इथाइल एसीटेट एसेटिक एसिड डाइकेटीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल का ग्रुप है, इसमें लीडर है। और दोस्तों इसके ऑपरेशंस 30 कंट्री से ऑपरेट होता है। फ्रेंड्स इसका बिजनेस मॉडल B2B है और ये इथाइल एसीटेट की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स है इन इंडिया with a market share of 30%। और फ्रेंड्स इसके प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं उसके एप्लीकेशंस फार्मा इंग्रेडिएंट्स में, एग्रोकेमिकल्स में, इंक्स एंड पेंट्स इंडस्ट्री, कोटिंग्स में, प्रिंटिंग में, पैकेजिंग में, एडहेसिव इंडस्ट्रीज, डाइज एंड पिगमेंट्स में, फ्लेवर्स में, फ्रेग्रेंस में, एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल्स, फ्लेम्स रेडिएशन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फ्रेंड्स बात करें अगर इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की तो फ्रेंड्स इसकी प्रेजेंस 30 कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग चाइना, नीदरलैंड्स, रशिया, सिंगापुर, UAE, UK, USA। तो फ्रेंड ओवरऑल कंपनी का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग एंड प्रॉमिसिंग नजर आता है। फ्रेंड्स फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं, इसका मार्केट कैपिटल 9,000 करोड़ के आसपास है। फ्रेंड्स ऑल टाइम हाई है 6,028 और अभी ये 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE है 21.9% और ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 25.6%। प्रमोटर होल्डिंग्स है फ्रेंड 72.5%।
वहीं अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 23% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्लॉक की है, लास्ट 3 ईयर्स में 25%। कंपाउंडेड प्रॉफिट देख लेते हैं फ्रेंड्स, लास्ट 5 ईयर्स में 29%, लास्ट 3 ईयर में 53% की शानदार कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसने क्लॉक की है। दोस्तों बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो लास्ट 5 ईयर्स में 19%, लास्ट 3 ईयर्स में भी 19% की रिटर्न ऑन इक्विटी इसने क्लॉक की है। फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में इसने -32% के रिटर्न बना के दिए हैं और फ्रेंड्स लास्ट 3 ईयर्स इसको अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए को नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स करंटली अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टॉक का नाम देख लेते हैं, स्टॉक का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे दो इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, उन दोनों वीडियोस को एंड तक जरूर देखें और वीडियोस को लाइक करें। फ्रेंड्स नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।